रूप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को ग्रामर में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी भूत, पूर्व, काल, भूत पूर्व काल के बारे में बताएंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस से कहते हैं, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। परिभाषा, पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, ये क्या है, भूतपूर्व काल। इसकी डिफिनेशन होती है, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुका था चुके थे चुकी थी लिया था दिया था किया था आदि शब्द दिए हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द दिए हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये डिफिनेशन है। तो हम देखते हैं रूल यानी नियम। रूल पहला है, सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेकंड है, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। तीसरा है, इस टेंस में कल की अंग्रेजी यस्टरडे होती है। तो ये क्या है, नियम है। पहला क्या है, सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कर्ता चाहे एकवचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। कर्ता चाहे एकवचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। और इस टेंस में अगला जो है तीसरा नियम है, इस टेंस में कल की अंग्रेजी यस्टरडे होती है, कल की अंग्रेजी क्या होती है, यस्टरडे होती है। तो ये क्या है, रूल है। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए, वह अपना पाठ याद कर चुका था। तो सर पहले वाई ही हैड लर्नड हिज लेसन। तो ही के साथ है अपने लिए क्या लगता है, हिज लगता है। अगला है, वे विद्यालय में क्रिकेट खेल चुके थे। सबसे पहले दे हैड प्लेड द क्रिकेट इन द स्कूल। वे विद्यालय में क्रिकेट खेल चुके हैं। तीसरा है, मैं अपना पाठ याद कर चुका था। तो क्या होता है, आई हैड लर्नड माई, आई के साथ अपने लिए माई लगता है, माई लेसन। तो इस तरीके से अगर आपको ट्रांसलेशन दिए जाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उसे आसानी से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेंगे, कि ये रूल के अनुसार क्या है ट्रांसलेशन कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो अब अगला हम देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। अगला है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, यानी जिस वाक्य में नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका था। तो हो जाएगा, आई हैड नॉट लर्नड माय लेसन, I had not learned my lesson. वे किताब नहीं पढ़ चुके थे। They had not learned रेड आर ई ए डी पढ़ना, पढ़ने की रीड रेड रेड, दे हैड नॉट रेड द बुक। निश्चय तुम विद्यालय में अच्छे
क्रिकेट नहीं खेल के थे, यू हैड नॉट प्लेयर द क्रिकेट इन द स्कूल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हिंदी में अनुवाद को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया, यदि आपको ना समझ में आया है या कहीं प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9035341705 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।